Hey guys, this is me Ankur Upadhyay. Welcome to our channel Stock Market Analysis. Guys, कल भी मैंने इस स्टॉक पे वीडियो बनाई थी जहां पे आप सभी ने काफी सपोर्ट दिया, बट हाँ फाइनेंशियली ये स्टॉक आपको काफी वीक बना रहा है। कल 20% का सर्किट था इस स्टॉक में, आज 10% का सर्किट है। कल भी एग्जिट की सलाह थी और आज भी एग्जिट की सलाह ही है। कल भी एक ही पॉजिटिव चीज थी, सारी कुछ जो भी मैंने आप सभी के साथ शेयर करा वहां पे मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी आए, जैसे कि कंपनी तो बंद नहीं हो जाएगी और वॉट एवर, बट ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी तो बंद नहीं हो रही है, एक फ्रॉड केस लगा है इस कंपनी के ऊपर जो मैंने आप सभी के साथ कल भी शेयर करा था, और जो नई पब्लिक है उनको भी मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि क्या केस है, क्या सीन है इस स्टॉक में। कल इस स्टॉक में अराउंड 15 टाइम्स वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिखे थे। एवरेज वॉल्यूम जो है इसके कहीं ना कहीं 4 मिलियन के हैं और स्टॉक में 60 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिखे थे। आज के सेशन में भी स्टॉक में 38 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, जबकि ये स्टॉक करीब करीब 12:30 बजे 12:30 पे सर्किट लग गया, उससे पहले यानी कि 37 मिलियन वॉल्यूम्स एनएससी की साइड पे ट्रेड हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी हैवी प्रेशर देखने को मिल रहा है, कितनी हैवी सेलिंग है ऊपर से जब ये स्टॉक लोअर सर्किट पे। 20% का सर्किट रिवाइज होकर 10% पे हो गया होगा, आई थिंक दैट्स व्हाई इट जस्ट स्टॉप फॉलिंग हियर। तो सवाल यह है कि आप बेच तो सकते नहीं है, सिंपल सा। तो मैं अगर आपसे कहूं कि भाई आप बेच दो, तो आप बेच ही नहीं सकते, आप मुझे और पागल घोषित कर दोगे कि भाई हम कैसे बेचेंगे, लोअर सर्किट लग गया है। तो मैं आपको ये तो कुछ बोलने वाला नहीं हूं कि आप बेच दो, लेकिन कल मैंने आपको बोला था कि बेचना चाहिए आपको, उस टाइम भी सर्किट था लेकिन सर्किट खुला था। आज भी अगर आप मॉर्निंग में बेचते तो शायद आप अपना 10-11% पैसा बचा लेते, दैट इज इनफ आई थिंक टू सेव। अभी आपको आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, कितना और गिर सकता है, दिस इज द क्वेश्चन। और जो कल कमेंट आया, हालांकि हंसी मजाक जो भी आप समझ लें, स्टॉक में बहुत बड़ा पैसा लॉस हुआ है लोगों का, तो क्या ये कंपनी बंद हो जाएगी, इस क्वेश्चन का भी मैं आपको आंसर दूंगा, इसी पे पूरी वीडियो होने वाली है। जिसके पास है उसको बाउंस बैक में निकलने की सलाह थी कल भी और आज भी वही होगी। तो डिटेल में बात करते हैं, थोड़ा फाइनेंशियल भी मैं आप सभी को दोबारा बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपस्टॉक पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। देखिए स्टॉक 74.50 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, इनफैक्ट ट्रेड तो नहीं कर रहा है, सर्किट पे लगा हुआ है अभी 10% के, 8.25 पैसे डाउन पड़ा है स्टॉक। 37 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं जो कि बहुत हैवी है एवरेज वॉल्यूम्स के मुकाबले। 52 वीक हाई की बात करूं तो 378 का इसका 52 वीक हाई है, और 52 वीक लो की बात करूं तो जो आज लगा है वही 52 वीक लो है। स्टॉक ने आपके पैसे की धज्जियां उड़ा दी, आपकी जेब खाली कर दी है, आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए वो बताऊंगा। देखिए मैं आपको पिछले एक महीने से कंटिन्यू सिर्फ एक चीज बोल रहा हूं कि डोंट इन्वेस्ट योर मनी इन स्मॉल कैप और मिड कैप, अदरवाइज यू विल लूज योर होल मनी। देखिए सिंपल सी बात है भाई, मार्केट खराब है और खराब मार्केट में जो शेयर अच्छी मार्केट में चलते, स्मॉल कैप का क्या मतलब है यार, आप एक पैसा लगा रहे हो वहां पे आपको परसेंटेज में ऊपर नीचे दिखता है। लार्ज कैप का क्या मतलब है, आप एक सेफ साइड में हो, गिरावट होगी लिमिटेड होगी, अपसाइड है लिमिटेड होगी, बट योर मनी इज सेफ। तो आप क्या करते हो यार, लालच, आप अगर खराब ये आपको यहां पैसा तब लगाना जब मार्केट बुल हो, मार्केट में तेजी हो, मार्केट में स्ट्रेंथ हो। अभी ना मार्केट में स्ट्रेंथ है, ना बुल मार्केट है, बियर मार्केट है, आप सभी को पता है। अगर ऐसे टाइम में आप स्मॉल कैप और मिड, इनफैक्ट मिड कैप भी सेफ बेट है एक तरीके से, हल्की फुल्की, बट अगर आप ऐसे टाइम पे स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे हो तो यू आर जस्ट टेकिंग वेरी हाई रिस्क, दैट्स व्हाई सी द रिजल्ट। तो अभी करना क्या चाहिए आपने, वो मैं कहीं ना कहीं डिस्कस करूंगा आपके साथ। देखिए स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहा है और बेचने की कोई संभावना नहीं है, लोग बेचने के लिए तड़प रहे होंगे। सुबह सर्किट खुला हुआ था, कोई बेचने को तैयार नहीं हुआ, जैसे सर्किट लग गया आप दुनिया बेच रही होगी, दुनिया बिड लगा रही होगी पर नहीं बिक रहा। तो होता क्या है मार्केट में, अगर हम एक बार 100 रुपए की चीज का, अगर कोई चीज 150 रुपए से 100 पे आ जाए ना और फिर वो 120 पे आए, तो हम लोग बेचते नहीं है क्यों, क्योंकि हमने 150 रुपए देखा हुआ है। हम इस होप में रहते हैं कि यार 150 रुपए जा सकता है क्योंकि उस टाइम 150 रुपए था, लेकिन हम ये नहीं देख रहे 100 से 120 आया है और फिर वो शेयर दोबारा 90 पे आ जाता है, तो फिर हम क्या चाहते हैं कि अब यार 120 पे ही आ जाए क्योंकि अब हमने 120 देख लिया। तो मार्केट में जो लेवल आप देख लेते हो वो लेवल आप दोबारा चाहते हो। होता क्या है कि आपको एज अ डिसिप्लिन स्टॉक को निकालना होता है कभी कभी, बट आप नहीं निकालते, जिसके कारण आप प्रॉफिट तो बुक करते हैं टाइम टू टाइम, बट आप लॉस बुक नहीं करते। माई फ्रेंड, यू आर इन स्टॉक मार्केट, सो यू हैव टू एक्सेप्ट द लॉसेस। अभी आपको इस स्टॉक में लॉस भी एक्सेप्ट करने का मौका नहीं है क्योंकि सर्किट पे खड़ा है।
देखिए स्टॉक कहीं ना कहीं कंपनी बंद हो रही है। सबसे पहले मैं इसका आपको कहीं ना कहीं बात करना चाहूंगा, इस पे कंपनी बंद नहीं हो रही है, काफी ज्यादा डीमेट अकाउंट्स भी हैं जो इन पे फ्रॉड लगाए हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप धनी सर्विसेज के एक एम्प्लॉय हैं और मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूं और एक और थर्ड पर्सन है जो कि लोन चाहता है, बट उसका सिविल स्कोर उतना अच्छा नहीं है कि उसको लोन दे सके कोई। तो आप लोग क्या कर रहे हो कि मेरा पैन कार्ड लेके यूज करके फ्रॉडली उसको मेरे पैन कार्ड पे लोन दे रहे हो, तो मेरे को पता चली ये चीज, मैंने कंप्लेंट करी है आपके खिलाफ। तो ये केस कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है धनी सर्विस पे, जहां पे धनी सर्विसेज की तरफ से कमेंट्स आए कि ऐसा कुछ नहीं है, बट करीब करीब 5,00,000 करोड़ का कुछ ऐसा घोटाला सा आया है सामने, जहां पे केस चालू है। अभी देखते हैं क्या होता है फैसला, बट हाँ ये केस चल रहा है, दैट्स व्हाई स्टॉक इज फॉलिंग। कहां तक गिर सकता है ये शेयर, देखिए कल भी मैंने एक ही लेवल बताया था, हालांकि मुझे इसमें छोटे टाइम पीरियड में कोई लेवल नहीं दिख रहा, बट इस स्टॉक ने दो बार करिश्मा कराया भाई, बहुत बड़ा करिश्मा। देखिए स्टॉक करीब करीब आपका ये पहले भी दो बार जंप कर चुका है, करीब 35 रुपए से स्टॉक भागना शुरू हुआ था, 700 रुपए का हो गया था, 200 रुपए पे कंसोलिडेट करा और 700 का हो गया, फिर गिरा ये स्टॉक और 70 रुपए पे आया और स्टॉक भागना शुरू करा, 350-400 रुपए का हो गया, फिर गिरा और दोबारा 74-70 रुपए पे आ गया। तो क्या ये 69-70 के पास सपोर्ट लेगा, जो कि अब 4 रुपए डाउन है? तो मुझे लगता है, वैसे तो मेरे को कुछ लगता नहीं है, बट हाँ अगर यहां लेता है तो दोबारा आपको 100-110 रुपए के लेवल्स मिल सकते हैं, जो कि बाउंस बैक होगा, क्योंकि RSI एकमात्र जो पॉजिटिव चीज है वो RSI ओवरसोल्ड है, तो आपको यहां से कहीं ना कहीं एक छोटा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो अगर रिवर्सल मिलता है तो एग्जिट की सलाह होगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता मेरी, मैं मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि यहाँ पे आप इन्वेस्ट करें अपना पैसा इस स्टॉक में, या फिर एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपने लॉस को रिकवर करने के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्जिट की सलाह होगी और बाउंस बैक पे एग्जिट करने की सलाह होगी। काफी लोग क्या है कि लोगों को गलत राह दे रहे हैं, जैसे कि कल भी मेरे पास भी तो कमेंट आया फ्रॉम टुमारो इट विल स्टार्ट अपर सर्किट, कहाँ अपर सर्किट यार, मुझे तो दिख नहीं रहा 10% का लोअर सर्किट वाला। तो ऐसे कमेंट से बचें, अपना पैसा सेव करें। ये मेरी वीडियो धनी सर्विसेज शेयर पे, वो आप सभी को वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।